पारितोषिक वितरण समारोह पे पधारने पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय विराजमान नहीं हैं। उनके आने में थोड़ी देरी है। वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हम उनका जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। जब तक हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय नहीं आते, तब तक हमारे बीच में उपस्थित यहाँ ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूजा शर्मा जी यहाँ दीप प्रज्वलित करके हमें इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य श्रीमती मंजुला शर्मा मैडम जी से निवेदन करूंगा कि वे ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूजा शर्मा जी को मंच पर लेकर आए और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। श्रीमती पूजा शर्मा जी, सरस्वती माँ के चरणों में दीपक प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करते हुए बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे कंटिन्यू तालियां जो बजाते रहें, क्योंकि आपकी तालियों की गूंज ही हमारे इस कार्यक्रम की शान है, आन है, वान है। कृपया बच्चे जोरदार तालियों से हमारे यहाँ के सम्माननीय अतिथि का अभिनंदन करें, स्वागत करें, आभार। जी लेकर के मंच पर आ जाएं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित ग्राम पंचायत प्रधान जी को बैजी लगा करके सम्मानित करेंगे। ग्राम पंचायत प्रधान श्री में जोश भरा रहेगा कि सीनियर मोस्ट लेक्चर शौकत अली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे बीच में विराजमान हमारे विद्यालय के एसएमसी प्रधान श्री ओम प्रकाश जी को वेज लगा करके सम्मानित करें। हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदय को वेज लगा करके सम्मानित करें। हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य महोदय जी को सम्मानित करते हुए रेणुवाला मैडम जी को हमारे विद्यालय के प्रवक्ता पीजीटी आर्ट्स शिवानी मैडम जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे बीच में विराजमान तस्लीम से रिक्वेस्ट रहेगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित। इसके साथ ही मेरा हमारे बीच में उपस्थित महेंद्र सर बीटी एग्रीकल्चर से जालम सिंह जी को मैडम जी को बैज लगा करके सम्मानित करें। शिवानी मैडम आपसे रिक्वेस्ट। इसका कि हमारे बीच में विराजमान एसएमसी मेंबर्स श्रीमती पुष्पा जी, श्री ओम प्रकाश जी, एसएमसी कार्यकारिणी के सदस्य को सम्मानित करते हुए मैडम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट में कि जो यहाँ पर वंदे मातरम के लिए
प्रस्तुत होना चाहते हैं वे शीघ्र यहाँ मंच पर आ जाएं। वंदे मातरम। जोरदार तालियां। हमारे विद्यालय की दो बच्चियां अर्चना ठाकुर और मोहिनी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और आगे कार्यक्रम का संचालन करें। कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रही हैं अतिथि गण हमारे। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं अर्चना ठाकुर आप सभी का हमारे विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहो के प्रांगण में स्वागत करती हूँ। मैं हमारे आज के अतिथि गण, अभिभावक गण, अध्यापक गण व सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। मैं आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद करती हूं कि आप सबने आप अपना कीमती समय हमें दिया। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती मंजुला शर्मा जी का आभार प्रकट करती हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह उत्सव मनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं आप सभी इस उत्सव का पूर्ण आनंद लेंगे। अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं मोहिनी ठाकुर और मैं कृतिका ठाकुर आप सभी का पुनः इस वार्षिक समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती है। पर किसी बहाने से नहीं, यह जमाना हमसे है जनाब, जमाने से हम नहीं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है, हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उत्सव बिना गणेश जी के लगे जीवन अधूरा। उत्सव बिना गणेश जी के लगे जीवन अधूरा। प्रथम वंदना उनके ना होता कोई काम पूरा। इसी के साथ मैं हमारी अगली प्रस्तुति गणेश वंदना के लिए अपनी विद्यालय की छात्राओं को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। Thank you.
होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में तो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसे होगा, बिन ताली के हमें यह एहसास कैसे होगा, बिन ताली के हमें यह एहसास कैसे रहा, दो पल की सांस बची थी जिसम में, उसमें भी भारत माता की जय कहता रहा, उसमें भी भारत माता की जय कहता रहा। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय की छात्र छात्राओं को, जो देशभक्ति की झलक लेकर हमारे समक्ष आ रहे हैं।
अब मैं हमारे विद्यालय की उपप्रधानाचार्य श्रीमती मंजुला शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूं। उससे पहले उनके बारे में मैं चंद शब्द कहना चाहूंगी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय को आप जैसी प्रधानाचार्य मिली है। हजारों छात्रों के जीवन को दिशा देने के लिए आप एक जिम्मेदार उपप्रधानाचार्य की भूमिका निभा रही है। इतने प्रेरक होने के लिए धन्यवाद महोदय। आप जैसी उपप्रधानाचार्य पाकर हम खुद को बेहद ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। अंत में मैं उपप्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और वार्षिक रिपोर्ट का संचालन करें। मेरा सादर नमन एवं अभिवादन। आदरणीय अतिथिगण, अभिभावकगण, मैं आपके समक्ष इस विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदय की ओर से इस विद्यालय की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इस साहो विद्यालय का इतिहास बताना चाहती हूँ। साहो विद्यालय 1951 में प्राइमरी स्कूल के रूप में अस्तित्व में आया। 1968 में यह विद्यालय माध्यमिक बना और 1972 में यह उच्च विद्यालय बना। 1996 में इसे स्तरोन्नत किया गया और यह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बना। माननीय अभिभावकगण, हमारे विद्यालय के अधीन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रजिंदू, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टिकरी, गवर्नमेंट हाई स्कूल कुर्थाधार और गवर्नमेंट हाई स्कूल कुरैना है। हमारे विद्यालय में 387 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को 4 सदनों में विभाजित किया गया है। विद्यालय में 13 क्लासरूम्स हैं, एक कंप्यूटर लैब है और एक लाइब्रेरी भी है और ये फंक्शनल है। स्कूल में 27 अध्यापक हैं, 3 LA और 6 मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। विद्यालय के सभी अध्यापक बड़ी ही निष्ठा एवं लगन से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में कार्यरत हैं। माननीय अभिभावकगण, वर्ष 2023 में 10वीं कक्षा में हमारे विद्यालय के 56 विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर हुए और 39 पास हुए। इस प्रकार विद्यालय का परिणाम 70% रहा। इसी तरह 12वीं कक्षा में 82 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का परिणाम 73% रहा। मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि 12वीं कक्षा के 11 विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से मेरिट सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिक्षा के साथ साथ क्रीड़ा क्षेत्र व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यह विद्यालय अपना वर्चस्व बनाए हुए है। 12वीं कक्षा के हितेश का चयन राज्य स्तर पर रेसलिंग में हुआ। अंत में मैं इस विद्यालय के सभी अध्यापकों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बच्चों की बेहतर शिक्षा व विकास के लिए हम सभी अध्यापक भविष्य में भी इतनी ही कर्मठता के साथ प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। लेना, मैं जन्नत कहूंगी, तुम उसे हिमाचल समझ लेना। अर्चना, क्यों ना हम चंबा में कदम रखें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जहाँ हवाओं में खुशबू बहती है, जहाँ सादगी इंसानों में रहती है, जहाँ के नजारे खूबसूरत हैं, जहाँ के पत्थर भी भगवान की मूर्त है, जहाँ धरती से मिलने खुद आते हैं बादल, वो स्वर्ग है हिमाचल, वो स्वर्ग है हिमाचल। तो अब मैं हमारे विद्यालय की छात्राएं पहाड़ी नृत्य की झलक प्रस्तुत करने जा रही है, तो कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए।
छात्राओं के द्वारा दी गई। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। मीत को मीत मिले, राही को राही, मीत को मीत मिले, राही को राही। आपकी तालियों ने हमारी प्रस्तुति सहाई, सितारों में खुशियों का चाहिए। तो अब मैं हमारे विद्यालय के प्रवक्ता श्री प्रवीण सर से निवेदन करूंगी कि वह आए और मंच का संचालन करें। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा यहां प्रस्तुत की गई। अब आप सभी को जैसा कि विदित है कि हमारे इस विद्यालय में आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित करना है। अभी हमें सूचना मिली है कि जब तक वो हमारे बीच में नहीं आते तब तक मेरा हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदय जी से निवेदन रहूँगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित ग्राम पंचायत प्रधान जी को मंच पर लेकर आएं ताकि हम नोट बोर्ड क्लासेस को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके साथ ही मैं हमारे विद्यालय के सीनियर मोस्ट लेक्चरर सोकत अली सर जी, पवन सर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे बीच में विराजमान एसएमसी प्रधान जी को भी मंच पर लेकर के आए और हमारे मंच की शोभा को बढ़ाएं। इस बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनको वे भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें और मंच पर ऐसी सम्माननीय पति के लिए। बच्चों जोरदार तालियां, कल को आप भी 98% मार्क्स जो वो प्राप्त किए हैं। जागृति के लिए जोरदार तालियां, इन बच्चों के लिए 78% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस बच्ची के लिए जोरदार डॉक्टर ऑफ श्री किशन चंद, और इस बच्ची ने 77% मार्क्स जो हैं वो प्राप्त किए हैं। इस क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, इस बच्ची ने 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस बच्ची के लिए भी जो 8th क्लास में सेकंड पोजीशन जो वो हासिल की है, इस बच्ची बीच में विराजमान है तो वो मंच पे आ जाए। रमन पाल, सन ऑफ श्री सतीश चंद्र पॉल, इस बच्चे ने 76% मार्क्स प्राप्त करके 8th कक्षा में तृतीय स्थान हासिल किया। इस बच्ची ने 74% मार्क्स हासिल किए हैं, सामने 74% मार्क्स हासिल किए हैं, और साथ में ही इसने द्वितीय स्थान जो है 9th कक्षा में प्राप्त किया है। कक्षा में 74% मार्क्स के साथ थर्ड स्थान जो है कक्षा को ए और बी श्रेणी में विभाजित किया हुआ है। अब मैं 9th कक्षा से ही बी श्रेणी के विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। इसके लिए मेरा एसएमसी प्रधान से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वे बच्चों को प्राइज देकर के सम्मानित। सन ऑफ श्री अशोक कुमार, इस बच्चे ने 9th बी कक्षा में 63% मार्क्स हासिल करके 57% मार्क्स हासिल करके 9th बी कक्षा में थर्ड स्थान। विद्यार्थियों को मंच पर बुलाना चाहूँगा जिन बच्चों ने 11th क्लास में अंकुश सन ऑफ श्री सतीश कुमार, अंकुश सनोप श्री सतीश से 88% मार्क्स हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। इस बच्चे के लिए जो राजिंदर कुमार, इस बच्ची ने आर्ट्स टीम से कक्षा प्लस वन में 86% मार्क्स के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। इस बच्ची ने 78% मार्क्स हासिल करके 11th कक्षा में थर्ड पोजीशन हासिल की है। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां के फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। 75% मार्क्स हासिल करके द्वितीय स्थान हासिल किया है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां।
अब नेक्स्ट मैं साइंस स्ट्रीम से ही पल्लवी डॉटर ऑफ श्री जोगिंदर इस बच्ची ने साइंस स्ट्रीम से प्लस वन क्लास में 74% मार्क्स हासिल करके हमारे विद्यालय की बालिकाओं को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि विमेन कि जो हो दिल के खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वह हमारी महफिल में आए हैं। जन्म मिला तेरे आंचल में ए हिमाचल, तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा देव भूमि, तूने पावन भूमि पर जन्म दिया। ये हिमाचल की शान है, यहाँ मेहनती हर इंसान है, भोले भाले लोग यहाँ, कोई सैनिक तो कोई किसान है। यहाँ भगवानों का वास है, ये स्वर्ग के जैसा एहसास है, ये भूमि साक्षात ईश्वर की, यही शिव है यही कैलाश है। कई अमृत यहाँ के धाम में, कई सेब के बगीचे है, यहाँ लोगों में है भोलापन जो दिल और जवान से मीठे है। लफ्ज़ अलग है जज्बात वही स्वर्ग कहो या हिमाचल बात वही। तो अब मैं मंच पर हमारे विद्यालय की छात्राओं को बुलाना चाहूंगी जो हिमाचली नाटी लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है, कृपया मंच पर आएं।
Yeah.
कहा इतनी आसान तो नहीं, पर आपका खूबसूरत यह पल याद आएंगे जब तन्हाई में हम अपना स्कूली जीवन का इतिहास उठाएंगे, जब भी कभी इस शहर से दूर जाएंगे और वहां अपने किसी बिछड़े को पाएंगे तो फिर दिल में यह पुराने भाव जगमगाएंगे। मिलेंगे जब भी पुराने दोस्तों से, फिर अपनी बचपन की किताबें उठाएंगे, यादों के झूले में झूलेंगे हम जब पुराने दोस्तों को गाली लगाएंगे। हसरत फिर होगी एक बार जिंदा, हसरत फिर होगी एक बार जिंदा, जिंदगी की राहों में जब सब कुछ छोड़कर निकल जाएंगे। तब वो मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और आगे का मंच संचालन करें। इसके लिए मैं हमारे बीच में उपस्थित संजय सर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ बीच में एसएमसी सदस्य श्री लेखराज जी, हमारे विद्यालय के सीनियर मोस्ट डिजिटी श्री प्रीतम सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित एसएमसी सत्ता बच्चों से ये निवेदन है कि बच्चे जो हैं बीच में रास्ता रोक।
विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप जोरदार तालियों के साथ कंटिन्यू से इंतजार पलके भी थी आपकी, एक झलक आई है बाहर आपके आने से, कुछ ऐसी आई है बाहर के दिल बस मांगे आपके लिए खुशियां बेशुमार, के दिल बस मांगे आपके लिए खुशियां बेशुमार। मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री नीरज नैयर जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र चंबा, विशेष अतिथि श्रीमती सम्माननीय अतिथिगण, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता, पत्रकार, बच्चों के अभिभावक, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी और प्यारे बच्चों, मैं अपनी और अपने विद्यालय की ओर से यहाँ पधारने पर आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन महोदय किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए, उनको मेरे लिए सूरज को दिए की रोशनी दिखाने वाली बात होगी, पर मैं यहाँ उपस्थित हमारे विशेष अतिथि श्री सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधानाचार्य महोदय श्री उमाकांत आनंद जी, उनका भी मैं अपने विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे बीच में आए हैं। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं समय को जाया न करते हुए हमारे विद्यालय से भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को बैज लगाकर सम्मानित करें, शॉल और टोपी भी पहनाएं और साथ ही उन्हें शॉल और टोपी भी पहनाएं। हमारे विद्यालय हुए और साथ में उनको टोपी पहनाकर उनका आभार व्यक्त करते हुए मेरा बच्चों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि बच्चों तालियां बजाओ। हमारे बीच में आप जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बेसमय आ चुका है। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रवक्ता श्री पवन सर जी से निवेदन करूंगा कि हमारी ये सब प्रेम भेंट स्वीकार करें। इसके साथ ही मैं हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदय मानित करें, इसके साथ ही उन्हें शाल के रूप में एक, साथ ही मेरा अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मैडम जी से कि वे हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय जी, आचार्य महोदय हमारे विशेष अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते। शौकत अली जी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि वे हमारे बीच में विराजमान ओएसडी प्रारंभिक शिक्षा विभाग चंबा बेज लगा करके सम्मानित करें। विद्यालय के सीनियर मोस्ट प्रवक्ता श्री शौकत अली जी, हमारे सम्माननीय अतिथि उमाकांत आनंद जी को सम्मानित करते हुए टीजी जी श्री प्रीतम सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में विराजमान बेज लगा करके सम्मानित कर। अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विद्यालय के प्रवक्ता श्री दीपक सर जी से कि वे हमारे बीच में उपस्थित यंग उपर बेज लगा करके सम्मानित करें। हमारे विद्यालय के सीनियर मोस्ट प्रवक्ता श्री राजेंद्र सोनी जी से
हमारे बीच में विराजमान पूर्व बार मेंबर सर श्री अरुण शर्मा जी को बैज लगाकर विराजमान सर सामने वार्ड मेंबर श्री सर सामने बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब मैं नेक्स्ट मंच संचालन के लिए हमारे विद्यालय की छात्राओं को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वे मंच पर आएं और कार्यक्रम का संचालन करें। अनुकंपा ईश्वर की आपके होंठों पर सदा मुस्कान रहे। क्या गजब की कशिश है आवाज में इनके, सुनकर दिल पर से कयामतें गुजरती हैं। क्या गजब की कशिश है आवाज में इनके, सुनकर दिल पर से कयामतें गुजरती हैं। लगता है इनके जज्बात मोहब्बत से है जनाब, जब गाते हैं तो कायनात से नियामतें बरसती हैं। तो हमारे समक्ष हमारे विद्यालय के छात्र कवाली प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत।
ਕੰਜਰਾ ਦੇ ਜਾਵਣ ਦੇ ਓ ਕੰਜਰੇ ਪਰ
देखो, कार्यक्रम में रौनक आ जाएगी, एक बार ताली बजा कर तो देखो। अब मैं प्रवीण सर से निवेदन करूंगी कि कृपया वो मंच पर आए और मंच का कारोबार संभालें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। अब मैं हमारे विद्यालय के उप प्रधान मंजुला शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे वेलकम स्पीच के लिए मंच अभिनंदन करें। थैंक यू मैडम। रखा हमारा मान, आमंत्रण स्वीकार किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। उपस्थित सज्जन वृंद को मेरा सादर नमन एवं अभिवादन। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे विद्यालय के वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी, मंच पर अति शुभायमान उनकी धर्मपत्नी परम आदरणीय श्रीमती भारती नैयर जी, साहो पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, इस पंचायत के सभी वार्ड मेंबर्स, विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधु, हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, साल घाटी की प्रबुद्ध जनता व प्यारे बच्चे, आज हम सब अति सौभाग्यशाली हैं कि राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहो के वार्षिक पारितोषिक उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे महान कर्मठ व्यक्तित्व मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत, कुशल नेतृत्व, रचनात्मक पहल एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा समस्त चंबा वासियों को अपना बना लिया है। मान्यवर, आपके गरिमामय सानिध्य से यह विद्यालय परिसर आनंदमयी एवं ऊर्जामयी हो गया है। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य, स्कूल प्रबंधन समिति और विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों की ओर से आपका आज के इस वार्षिक समारोह पर पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमारे ऊर्जावान विद्यार्थियों के शैक्षिक, सह शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम को पसंद करेंगे और उनका उत्साह वर्धन भी करेंगे। विद्यालय की उन्नति और प्रगति का परिचायक होता है। आज का दिन विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए हर्ष और उल्लास का पर्व है। विद्यार्थियों की प्रतिभा, योग्यता और कार्यकुशलता के मूल्यांकन का दिन है। अपने श्रेष्ठ कार्यक्रम और प्रदर्शन के द्वारा जनता का दिल जीतने का भी सुअवसर है। मैं दिल की गहराइयों से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ आए हुए अति विशिष्ट अतिथिगण व स्थानीय जनता का आभार प्रकट करती हूँ। आशा करती हूँ भविष्य में भी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास और इस विद्यालय की उन्नति और प्रगति के लिए आप सभी का साथ और सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा और हम सब मिलकर इस विद्यालय को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अब हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी,
उनके मार्गदर्शन में ये समस्त कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अगर वो ना होते तो इतना बढ़िया हमारा कार्यक्रम भी नहीं होता। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यालय के विनम्र, ईमानदार, कर्मठ और गुड ह्यूमन बीइंग प्रधानाचार्य महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और हमारे विद्यालय के स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए 11,000 रुपये दिए हैं। एक बार बच्चों हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और अपने गुरुजनों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। विनोद सर जी ने वो 11,000 रुपये यहाँ डोनेशन बॉक्स में डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में विराजमान पूर्व प्रधान और वर्तमान एसएमसी प्रधान श्री ओम प्रकाश जी ने विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए 2100 रुपये दिए हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट हमारे विद्यालय के एसएमसी प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। भारती नैयर जी, आपका यहाँ हमारे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए निकाला। आपके साथ यहाँ पधारे हमारे ग्राम पंचायत प्रधान पूजय शर्मा जी, उप प्रधान, वार्ड मेंबर माननीय, अन्य पंचायतों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, हमारे यहाँ बीच में विशिष्ट और विशेष अतिथि जो आपके साथ आए हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ पूर्व में जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी सेवाएं अच्छे पदों पे दी हैं, उनको हमने बुलाया होता, उनका भी आभार है कि उन्होंने समय निकाला। और हमारे एसएमसी के सदस्य और हमारे यहाँ के स्कूल के स्टाफ के मेंबर और प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल, अन्य स्टाफ महोदय, हमारा स्कूल आपकी रहनुमाई में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मेन कारण ये कि एक आपकी लीडरशिप, दूसरा हमारा स्टाफ जो है वो, मैंने चौथी बार मैं यहाँ एसएमसी में प्रधान बना हूँ, पहली बार ऐसा स्टाफ देखा है मैंने जो अभी पूरा भी है और हमारी 3 पोस्टें खाली हैं और एकजुट होके एकता के साथ हमारे स्कूल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और सभी हमारे जो स्टाफ के मेंबर हैं, जो स्कूल का स्टाफ है, वो सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा सर, आपसे अनुरोध है कि हमारे स्कूलों में, आपको पता है कि जहाँ भी आपको हम अतिथि के तौर पर बुलाते हैं, तो सबसे बड़ा काम, आप सबको पता है कि कुछ कमियाँ होती हैं, उसके लिए हम आग्रह करते हैं और आप भी उसमें कोई कमी छोड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ जैसे 3 पोस्टें सर खाली हैं, एक एलपी की खाली है, एक हमारी पीईटी की बड़े टाइम से सर खाली है 15-20 साल से, और एक हमारी सीनियर लेक्चर जो हमारे आईटी के थे वो खाली है। उसको भरवाने के लिए अगर सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी ये 3 पोस्टें भर जाएंगी, तो हमारे बच्चों को और अच्छी जो है पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख रुपए हमारे साइंस ब्लॉक के लिए सेंक्शन करवाया गया, जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन के पास पड़ा हुआ है। वर्ष 23-24 में SC/ST के तहत वाइट बुक में 10 लाख रुपए स्वीकृत है, जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन के पास पड़ा हुआ है, वो PWD के खाते में चंबा में नहीं आ रहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि वो उनसे बात करके हमारे PWD को बोल के हमारा, जी सर, दिया हुआ सर, वो हमारे काम साइंस ब्लॉक, क्योंकि सर 1996 से जब स्कूल बना तो साइंस शुरू हुई, आज तक हमारे बच्चों ने शायद इस ज़्यादा से ज़्यादा वो साइंस के इंस्ट्रूमेंट और रिजल्ट नहीं देखे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा 1,43,00,000 रुपए का एस्टिमेट गया हुआ सर, वो प्रोटेक्टेड है, सेक्रेट है, वो पैसा जो है SC/ST के तहत जो 17.5 लाख रुपये सेंक्शन है, वाइट बुक में है, पर हमें दिया नहीं जा रहा है PWD को सर, ताकि PWD काम करे। एक तो अनुरोध हमारा ये है सर। दूसरा जो
हेल्थ केयर की लैब बन रही है सर आगे, उसमें स्लैब डाल दिया गया है। 2016 से पिछले 2 साल तक गैप रहा, मैं नहीं रहा और पैसा भी कम था, तो अब जो है हमने स्लैब जैसे कैसे सर अपने पैसे डाल के डाल दी है, उसकी फिनिशिंग करनी है ताकि उसमें जो है वो काम पूरा हो सके, वो भी डायरेक्टर से सर मिलेगा। तीसरा सर, जो हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्स जैसे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर चल रहे हैं, एग्रीकल्चर की लैब सर यहाँ पे नहीं है और बच्चे हमारे छोटे छोटे रूम में बैठाए होते हैं। सर 2014 की बात करूँ, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं भी उस सरकार में मेंबर रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ, 20 साल काम किया है। तब हमने SC ST स्कीम के तहत ही, जैसे मैं बता रहा हूँ, 1,43,00,000 का 17,00,000 आया, वैसे ही सर 47,00,000 रुपये सेंक्शन करवाया था, उसमें ये 3 कमरे और प्रिंसिपल का रूम बना हुआ है। और सर ये ऐसे ही हमने वो रिक्वेस्ट की हुई है, पर पैसा सर आप रिक्वेस्ट है वो भिजवा दें, तो कम से कम हेल्थ केयर की लैब और हमारी जो अधूरी लैब पड़ी हुई है वो जो है वो पूरी हो जाए, तो जो हमारे खाली पद हैं सर वो पूरे हो जाए। और इसके साथ सर साउथ रीजन जो है वो हमारा, आपको पता है कि कल्चर इवेंट में काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है, तो हमारे यहाँ साउथ स्कूल में अगर हमारे यहाँ जो म्यूजिक का सर सब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया जाए स्कूल में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे साथ की लड़की की 8-9 पंचायतों को इससे बड़ा फायदा होगा। और सर आज आपसे आप आए हैं आपकी रहनुमाई में, हमें पता है क्योंकि हमारे लिए सर आप सरकार हैं, हमारे विधायक ही हमारे लिए सरकार होते हैं, क्योंकि सरकार में आप बैठे हुए हैं। हमें आशा है कि आप हमारे स्कूल के जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। और इसके साथ सर हमने एक स्टेज का कार्य पीछे लगाया हुआ था, यहाँ इसके पीछे सर, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज आप अनाउंस ही कर जाएँ कोई 1-1,00,000 रुपये, तो स्टेज अगली बार हम यहाँ पे जो है वो स्टेज का जो भी प्रोग्राम करेंगे। आपने सर अपना कीमती समय निकाला और आपके साथ हमारे यहाँ विशेष अतिथि आए, और आपका जो स्नेह है आपका प्यार जो है वो आपका हमारे ऊपर बना रहना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। इसी के साथ मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, धन्यवाद। फसलों से आसमान में छेद कर देंगे, पल में रेत कर देंगे, बुलंद इरादों और हौसलों से आसमान में छेद कर देंगे, पंख भी है उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है, पंख भी है उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है, इन फड़कती भुजाओं में आसमान छूने का अरमान भी है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ अदा कीजिए, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां।
Thank you.
धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे बीच में विराजमान ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पूजा शर्मा जी और उप प्रधान श्री राजेंद्र गुदियाला जी ने हमारे विद्यालय के लिए 2100 रुपये दान दिए हैं। इन दानी सज्जनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए और आभार व्यक्त। हमारे देश की ये परंपरा रही है कि यहाँ अतिथियों है, अतिथि सत्कार मान सम्मान हमें आंतरिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन अब बहुत समय आ गया है कि हमारे बीच में यहाँ बहुत ही होनहार अतिथि विराजमान हैं, उनको सम्मानित किया जाए आपके हाथों से। इसके लिए मैं हमारे विद्यालय के सीनियर मोस्ट प्रवक्ता श्री पवन सर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मंच पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को लेकर आए। इसके साथ ही मैं हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती मंजुला शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में विराजमान हमारी आज की विशेष मुख्य अतिथि श्रीमती भारती नेहर जी को मंच पर लेके आए और अपने शुभ हाथों से बात करें। बच्चों जोरदार तालियां मुख्य अतिथि महोदय श्री नीरज नेहर जी, पूजा शर्मा पंचायत के उप प्रधान श्री राजेंद्र गुदियाला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। बच्चों जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अब मैं हमारे बीच में विराजमान प्रारंभिक शिक्षा विभाग से और श्री उमाकांत उनन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। धन्यवाद सर कि वे मंच पर आए और बच्चों जोरदार तालियां। अब मैं हमारे बीच में विराजमान करूंगा कि वे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। बच्चों जोरदार तालियां। इसके साथ ही मेरा यहां उपस्थित माननीय अतिथियों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि हर मेंबर श्रीमती पिंकी देवी जी वो भी यहीं से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और अतिथि सत्कार के रूप में स्मृति चिन्ह। अब मैं हमारे दुल्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। बच्चों जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के शुभ हाथों से निवेदन रहेगा श्री जालम सिंह जी से, इंचार्ज गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी। सर सामने। श्री स्वर्गीय हरिदास जी की याद में प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय के प्लस टू के छात्रों को जो टॉप करेंगे किसी भी स्ट्रीम से हो, मेडिकल नॉन मेडिकल या स्ट्रीम से हो, उनको प्रतिवर्ष कुछ धनराशि देकर चिन्ह प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर मंच पे आने के लिए। इसके साथ ही मैं पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र ठाकुर जी से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। मेरे को अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे बीच में गुलाम नबी जी इनका नाम है, कृपया इन्हें स्मृति चिन्ह दे करके आतिथ्य सत्कार। बीना देव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। साथ ही मेरा कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वे भी मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। पुष्पा देवी जी जो SMC कार्यकारिणी की मेम्बर हैं। रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती बबली देवी जी SMC मेंबर कि वे मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। बच्चों जोरदार तालियां सभी के लिए। खान ग्राम पंचायत सॉरी SMC प्रधान प्रोथा स्कूल
श्री उमाकांत आनंद जी, श्री लियाकत अली जी, पूजा शर्मा जी भी मंच पर आ जाएं, और हमारे बर्थ क्लास का विद्यार्थी है ये सनोप श्री दलीप कुमार। इस बच्चे ने 10th क्लास में फर्स्ट स्थान हासिल किया है और इस बच्चे ने 93% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस बच्चे हमारे सनोप श्री अशोक कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए। इस बच्चे ने 10th क्लास में 83% मार्क्स के साथ थर्ड स्थान हासिल किया है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। मंच पर विराजमान रहें, जिसमें पहला नाम है जिस बच्ची ने परसेंट मार्क्स हासिल करके प्लस टू कक्षा की आर्ट्स स्ट्रीम में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैंने दिशा को देखा और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं बच्ची से रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर ही रहें। हमारे बीच में रिटायर्ड SHO श्री जी सिंह चौहान जी ने एक नई परंपरा का आगाज किया है कि वे हमारे बीच। सर आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। नेक्स्ट मैं आर्ट्स टीम से सेकेंड टॉपर सेकेंड पोजीशन होल्डर तुषार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आए। तुषार स्लोप श्री देवेंद्र कुमार, इस बच्चे ने 88% मार्क्स हासिल करके सेकेंड स्थान हासिल किया है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आर्ट्स टीम से यमन को जिसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आए। इस स्ट्रीम के बाद साइंस स्ट्रीम से नॉन मेडिकल से टॉपर भरत सनोप श्री देवी प्रसाद, मार्क्स हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है और साथ में ही हमारे। अब मैं साइंस स्ट्रीम से सेकेंड पोजीशन होल्डर जोगिंदर कुमार सनोप श्री योगराज, इस बच्चे ने 85% मार्क्स हासिल करके सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। टीम से थर्ड पोजीशन पर है और ये मेडिकल में टॉपर है। इस बच्ची का नाम है अमीषा राठौर और इनको श्री जगदीशचंद चौहान जी 500 रुपये की राशि जो है वो प्रोत्साहन राशि जो प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतिथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वे अपने अपने स्थान पर को ग्रहण कर लें और मेरा चीफ गेस्ट महोदय से प्रार्थना रहेगी कि वे अपने बहुमूल्य वचनों द्वारा हमें कृता। बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चों के माता पिता हैं, अन्य पंचायतों से और साहू पंचायत से आए हुए गणमान्य व्यक्ति हैं और मेरे साथ मंच आसीन प्रधान ग्राम पंचायत साहू पूजा शर्मा जी, उप प्रधान राजेंद्र गुरदयाला जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहू विनोद सोनी जी, श्री उमाकांत जी, हमारे पूर्व जिला परिषद लियाकत अली जी, हमारे पूर्व प्रधान और हाल के आपके SMC के प्रधान ओम प्रकाश जी, श्रीमती मंजुला शर्मा जी जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, श्री अरुण शर्मा जी जो कि यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उदय शर्मा जी जो कि एक्स उप प्रधान हैं, सुरेंद्र बंबू जी जो कि एक्स प्रधान हैं, जगदीश चौहान जी, बुद्धि प्रकाश जी, मनोज कुमार जो कि प्रेसिडेंट है राजीव गांधी पंचायती राज, जल्लोराम जी, अब्दुल्ला वार्ड मेंबर, गुलाम नबी उप प्रधान राजपुरा, महेंद्र शर्मा जी, सुरेश ठाकुर जी जो कि स्टेट के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, हमारे ओम प्रकाश जी जो कि ओमी जी जो कि NACOI के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, रवि जी, बंटू जी, ललित जी, धर्मचंद जी और सारे स्कूल के
गवर्नमेंट सीनियर्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल साओ के जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी टीचर्स की फैकल्टी है, आप सब जो हैं इस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिन के मौके पर आप सब जो हैं बधाई के पात्र हैं। मैं आज दूसरी बार जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहो में जो है आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर आया हूं, और समय का भी अभाव है, मैंने एक और जगह जाना है अभी। जब मैं स्कूलों के प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं राजनीतिक बातें थोड़ी सी कम करता हूं, लेकिन अभी मैं प्रोथा भी गया और बहुत अच्छा स्वागत हुआ वहां, और बड़े बुद्धिजीवी लोग सारे पार्टी के और पंचायत के मिले, और मैंने अपना वक्तव्य, मैं अपनी बात हमेशा बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में हमेशा मैं रखता हूँ। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, अगर आपने पा लिया तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आप अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए जो हैं आप जागृत हो जाते हैं। और बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ जो मैंने प्राइजेस दिए, और लगा कि बच्चों ने 90%, 85%, 82% बड़ा अच्छा परसेंटाइल जो था बच्चों का था। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे पंचायतों के गांव के बच्चे जो हैं अब पढ़ाई में जो हैं आगे निकल रहे हैं। आज यहाँ इस स्कूल के मौके पर जो है एक कव्वाली पेश की गई, और पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने देखा था कि साहो पंचायत में जो बच्चों का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गाने बजाने के अंदर, मुझे लगता है इस पंचायत के बच्चों को महारत हासिल है, जब मैं लास्ट टाइम भी आया था। और अभी आपके एसएमसी के अध्यक्ष ने, प्रिंसिपल साहब ने भी एक मांग रखी है कि यहाँ कोई म्यूज़िक टीचर नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा आपके यहाँ एसएमसी अध्यक्ष को और पंचायत के प्रधान को, आप एक प्रस्ताव मुझे दो। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं आज वो अभी हमारे बीच नहीं है, मुझे बताया गया कि उनके मदर की डेथ होगी, मैं अफसोस भी व्यक्त करना चाहूँगा। मैं खुद काफ़ी टाइम से कहीं लकड़ी डालने नहीं गया, कहीं अफसोस करने नहीं गया, क्योंकि मैंने भी अपनी माता को खोया है। और वैसे तो एक साल तक हम रखते हैं, लेकिन मैंने 6 महीने का रखा है, और ये अगले महीने जो है ये ख़त्म हो जाएगा मेरा। उसके बाद जहाँ मैंने जाना है, पंचायतों में काफ़ी जगह जाना है वो रह गए हैं, तो मैं जाऊंगा उन जगहों पे जहाँ मैं नहीं जा सका। और साथ ही में अगर मैं इस स्कूल की बात करूँ तो स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी है। 387 बच्चे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। जब भी हमने सरकार से कुछ मांगना है तो सरकार कोई भी चीज़ देती है तो उसके मापदंड होते हैं। जिन स्कूल्स के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, उन स्कूल्स के अंदर अगर आपको टीचर्स की ज़रूरत है, कमरों की ज़रूरत है, किसी स्ट्रीम की ज़रूरत है, तो काम करना आसान हो जाता है। अगर स्कूल की स्ट्रेंथ कम है तो फिर जो है हम अगर करना भी चाहें तो हमें कई बार अड़चने फंस जाती हैं, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल की स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है, और मैं पंचायत के एसएमसी के प्रधान और पंचायत के प्रधान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपनी स्कूल के स्ट्रेंथ को लिख के, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ जो है लिख के, 12वीं में कितने बच्चे हैं, 11वीं में कितने बच्चे हैं, अपना केस जो है पुख्ता करके जो है सरकार के आगे हमने रखना है, ताकि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी अभी आपके एसएमसी के अध्यक्ष ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थी, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये जो भी चीज़ें आपने रखी हैं, जो पैसा पड़ा है यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मैं जब शिमला जाऊंगा तो मैं खुद, सेक्रेटरी एजुकेशन है हमारे राकेश कंवर जी हैं,
और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो है बहुत अरसा उन्होंने यहाँ टाइम गुजारा है। रजिंडू पंचायत में धारकंडा के बारे में उन्होंने मुझे बताया जब मैं वहाँ उनसे कुछ बात करने के लिए गया, तो हमारे इलाके से वो भली भांति जो है परिचित है और हमारे इलाके में BDO रहे हैं, मेरे ख्याल SDM रहे हैं काफ़ी समय, अपनी नौकरी की शुरुआत भी जो है उन्होंने हमारे इलाके से की है, तो हमें एक एडिशनल एडवांटेज भी है इस चीज़ के लिए। तो आई एम वेरी श्योर कि जो भी आपने ये बातें रखी हैं मैं इसका पता करूंगा कि क्यों नहीं पैसा ट्रांसफ़र हुआ, क्या अड़चने हैं, और जो भी मेरे से संभव हो सकेगा एज ऑफ नाउ जब तक मैं पता नहीं करता तो मैं बोल नहीं सकता। कि आपने अपना पक्ष मेरे सामने रखा है, अब इस पक्ष को जो है मैं सरकार के सामने लेके जाऊँगा और आई एम वेरी श्योर स्कूल की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है तो बेहतर जो रिजल्ट हैं हमें मिलेंगे। और बाकी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अभी मुझे विधायक बने हुए 1.5 साल हुआ है तकरीबन मुझे विधायक बने हुए, और इस 1.5 साल में, क्योंकि आज ये एक स्कूल का फंक्शन है, अभी मैं प्रोथा में भी यही बात बोल के आया कि इस 1.5 वर्ष के अंदर मैंने जो है अपने कार्यकाल के अंदर जो है 1.5 वर्ष का जो 1.5 महीने के कार्यकाल के अंदर मैंने काफ़ी उपलब्धियां जो हैं मैंने की हैं, लेकिन अभी आपको उन उपलब्धियों का कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि उनको धरातल में उठते उठते कम से कम अभी 1.5-2 साल और लगेंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ वो राजीव गांधी इंग्लिश मीडियम डे बोर्डिंग स्कूल है, जिसकी जगह मैंने उदयपुर पंचायत में चयनित की है। 5 लाख रुपया मैंने अपनी विधायक निधि से जो है पर्सनल, हालांकि ये सरकार देती है लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि अगले साल सरकार FCA के लिए पैसा देगी और उसके बाद फिर 1 साल FCA के लिए और लगेगा, तो उसको शॉर्टकट करके मैंने अपनी विधायक निधि से उसका केस जो है FCA का प्रस्यू कराया है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि तकरीबन 120 दिन से लेके 160 दिन के अंदर जो है FCA की क्लियरेंस जो है हमें उस जगह की मिलेगी और 50 बीघे जगह के अंदर ये स्कूल जो है ये निर्मित होगा और ये स्कूल जो है विद एवरी मॉडर्न फैसिलिटी जो है इस स्कूल के अंदर होगी, जिसका मतलब ऑडिटोरियम भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, और जो एक अच्छा प्राइवेट स्कूल जहां हम लोग पढ़े हैं जो फैसिलिटीज वहां अवेलेबल हैं बच्चों को, वहां स्कूलों में जो है 1 साल की फीस 12 लाख 15 लाख 20 लाख है, वो फैसिलिटीज जो है आपको इस सरकारी स्कूल के अंदर अवेलेबल होंगी एट सरकारी कॉस्ट, यानी कि जो सरकार की कॉस्ट होती है यानी कि न्यूनतम, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसका क्राइटेरिया होगा कि उसके अंदर कैसे एडमिशन मिलेगी, स्कूल जो होगा वो प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक होगा और इसके अभी वाया मीडिया कैसे एडमिशन मिलेगी, आई एम वेरी श्योर मेरिटोरियस बच्चे जो टैलेंटेड हैं हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो हैं इसके अंदर पेपर दे के एडमिशन ले सकेंगे, मेरिट विल बी द क्राइटेरिया। और इसका मेन श्रेय जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी को देना चाहूँगा, जिनकी ये सोच है, क्योंकि हमारे CM साहब खुद आम परिवार से आते हैं और नीचे से मेहनत करके आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचे हैं, और उनकी ये सोच है कि हमारे प्रदेश के अंदर 68 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा के अंदर एक इंग्लिश मीडियम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है खोला जाएगा, और क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार है आज और मैं यहाँ से कांग्रेस का विधायक हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं FCA क्लियरेंस जल्दी करवा के ले आया तो अगले साल जो है मेरा नंबर स्कूल का जो है लग जाएगा। और मैंने ऊपर चौथा पंचायत में भी बोला और मैं हर पंचायत में एक चीज़ बोलता हूँ कि हर आदमी का पर्सनल काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। लोग आते हैं, किसी को घर चाहिए, किसी को सड़कों के लिए कुछ चाहिए, किसी को टॉयलेट्स के लिए चाहिए पैसा, बड़े देर इज़ अनलिमिटेड डिमांड है इन चीज़ों की, तो लोग आते हैं, मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, मार्क भी करता हूँ, लेकिन जितने आते हैं सारे लोगों के काम संभव हो जाएं ये संभव नहीं होता, ये तो भगवान ही कर सकता है, इंसान के हाथ की बात नहीं है।
लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि हर आदमी जो मेरे पास काम लेके आए वो अनअटेंडेड ना जाए, कम से कम अगर उनका काम ना हो तो उनसे मुस्करा के बात हो, उनके साथ 5 मिनट बात कर सकें और उनको सेटिस्फाई करके हम जो है भेज सकें। काम बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितनी मैं आउटपुट इस डेढ़ महीना हो गया है, 4 साल तकरीबन बचे हैं, उसके अंदर जो बड़े काम हैं उनके ऊपर मेरा फोकस है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है ये मेरा अपना दिल का सपना है कि मेरे होते होते मैं इसका नींव पत्थर लगा के काम स्टार्ट कर दूं। कंप्लीशन तो ये इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मेरे 4 वर्ष से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि 50 बीघे के अंदर ये स्कूल बनेगा। तो जैसे जैसे सरकार धन का प्रावधान करती रहेगी तो स्कूल की जो है जो स्कूल जो है वो बनता रहेगा। साथ ही में मैंने अपना एक ध्येय बनाया है कि आज क्योंकि स्कूल का फंक्शन है, हमारे यहाँ गांव के अंदर स्कूल के बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, स्कूल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, चाहे लड़कियाँ हैं लड़के हैं, और ये मैंने महसूस काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें। अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ चंबा में एक फरहान मिर्ज़ा करके लड़का था, राइफल शूटिंग के अंदर बहुत बढ़िया था, उसके पिताजी काउंसलर हैं चौगान वार्ड से मेरे, तो वो मेरे को बोलते रहते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा है सर, पर इसको बंदूक नहीं है अच्छी, इसको कहीं से आप अरेंजमेंट करवा के दो, ये आगे बढ़ सकता है, मेरे को कई 3-4-5 साल से मेरे को बोलता रहता था। उसके पिता की अपनी भी मेहनत थी, जहाँ भी टूर्नामेंट्स होते थे पैसा खर्च करके वक्त लगा के बेटे को ले जाता था। फिर एक दिन वो मेरे पास आया, मैं विधायक बन गया था, और उन्होंने मेरे को बोला कि एक कोरिया में शूटिंग की कंपटीशन हो रही है और मेरा बेटा जो है उसके अंदर सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है कि मैं प्लेन की टिकट कैसे खरीदूं, फिर वहाँ रहना है और सारी चीज़ें करनी है, तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि पिताजी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता था। मुझे लगा नहीं बात, क्योंकि लड़के को मैंने शूटिंग में देखा था, लोकल प्राइजेस भी वो जीता रहा, नेशनल्स में स्टेट लेवल में भी अच्छा करता रहा, तो मैंने जो है डीसी साहब से भी बात की, मैंने 50,000 रुपया अपनी तरफ से उसे दिया, डीसी साहब ने जो है अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की, NHPC से मैंने 1.5 लाख रुपया उसको डलवाया, अभी डला नहीं है, अभी मिलेगा उसको। NHPC ने बोला सर हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, अगर मेडल जीत के आएगा तो हम 1.5 लाख दे देंगे। अब मैंने बोला यार मेडल जीतेगा नहीं जीतेगा मैं कैसे गारंटी दूँ, पर फिर भी मेरे को मन में विश्वास था कि नहीं यार इस लड़के में दम है। मैंने कुछ कर करा के इसके फादर को बोल के मैंने बोला कोई बात नहीं यार, पैसा भी उठाना पड़ता है उठाओ, पैसा मैं करवाऊँगा अरेंज, कोई बात नहीं, मेडल नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं। और लड़का वहाँ गया और पहली बार देश से बाहर गया और एशियन शूटिंग कंपटीशन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया, ब्रॉन्ज मेडल। एशिया बच्चे यहाँ सामने हैं, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया, भूगोल ज्योग्राफी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है दैट इज एशिया। तो एशिया में आप देखो कितने देश आते हैं, उन देश से सारे बच्चे जो हैं उस कंपटीशन के अंदर आए, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चे आए वो विकसित देशों से थे, जिनके पास बंदूकें भी बढ़िया थी, इक्विपमेंट भी बढ़िया थी, हर फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल थी। हमारे लड़के के पास भगवान की देन थी, गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट, और खुशी इस बात की है कि उसको भेजा, वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया, एंड आई एम वेरी श्योर ही इज अ वेरी यंग बॉय, जवान लड़का है, 18 साल का है, अगर उसको ठीक ढंग से सरकारी सहायता मिले आई एम वेरी श्योर वो एक ओलंपिक प्रोस्पेक्ट है। ऐसे ही एक लड़की सीमा चुरा से है, मैंने उसका वीडियो कहीं देखा नेशनल्स में, 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल, लास्ट
लास्ट 150 मीटर्स के अंदर उसने सबको पिछाड़ दिया। जो उसका स्टैमिना था वो देखने वाला था। मैं खुद स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, मैंने उसको नोटिस किया और उस लड़की ने, क्योंकि मैंने फरहान के लिए कुछ किया था, तो उस लड़की ने मुझे कॉल किया, बोला मैं सीमा बोल रही हूँ। मैंने बोला भाई मैंने तो नाम सुना है आपका। तो उसने बोला सर आप मेरे लिए भी कुछ करो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भोपाल में हूँ कहीं, और अगर मुझे भी जो है सरकारी प्राइज मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। मैंने बोला आपने ट्रेनिंग कहाँ ली? बोलते कहाँ, मैं तो बस सरकारी स्कूलों में पढ़ी, पहाड़ से ऊपर जाती थी नीचे आती थी। तो ये बच्चे कैसे निकल रहे हैं इतना आगे, कैसे इतना बढ़िया? ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट जो होता है, जो भगवान की कृपा होती है, वो चंद कुछ बच्चों में होती है। भगवान की कृपा ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है, वो किसी में भी हो सकती है, इस किसी भी बच्चे में यहाँ हो सकती है। हम राजनीतिज्ञ के तौर में हमारा ये फर्ज बनता है, अगर मैं 4 साल यहाँ विधायक बन के रहा, हर व्यक्ति का काम मैं नहीं कर सकूंगा, हर व्यक्ति को मैं खुश नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि 4 वर्ष के अंदर 52 पंचायतें हैं मेरे विधानसभा के क्षेत्र में, हर 10 पंचायतों के ऊपर एक ग्राउंड 20-25 लाख रुपए का मैं बना दूं, जिसकी शुरुआत मैंने उदयपुर पंचायत से कर दी है। 10 लाख रुपया मैंने स्वयं अपनी विधायक निधि से दिया है और 8 लाख रुपया अपूर्व देवगन जी जाने से पहले मंडी 8 लाख रुपया दे गए हैं और 20 लाख रुपया जो है हमने इस ग्राउंड के लिए दिया है। और मुझे अगर दिल्ली तक भी जाना पड़ा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और मैं पैसे का प्रावधान करूँगा। मेरा ये ध्येय है कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो मेरे से बन सकता है, जहाँ से मुझे पैसा लाना पड़े, चाहे दिल्ली से लाना पड़े, हिमाचल सरकार से लाना पड़े, स्वयं अपनी निधि से देना पड़े, मैं ज़रूर करूँगा और मैं पीछे नहीं हटूँगा। और आने वाले वक्त के अंदर मैंने चयनित किया है कि 5 ग्राउंड, 52 पंचायतें, 5 ग्राउंड, एक ग्राउंड मैंने बना दिया है और 15 लाख रुपया पिछले कल मैंने पुलिस ग्राउंड चंबा के लिए दिया है। 15 लाख रुपया पिछले कल मैंने पुलिस ग्राउंड चंबा के लिए दिया है। मैं देखता हूँ वहाँ बच्चे जो है रोज खेलते हैं और मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ से बच्चे हॉकी खेलते हैं और नेशनल्स के अंदर, स्टेट के अंदर मेडल्स जीत के आ रहे हैं। जब चुगान में वो हॉकी खेलते हैं तो मैं चुगान में बैठा हुआ था चीफ गेस्ट, तो बॉल उसने हॉकी से मारा और इतना वो ग्राउंड ऐसे ऐसे था कि बॉल उठ उठ के जा रही थी। तो अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं आगे बढ़ नहीं सकते। तो मेरी ये कोशिश है, ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो मेरे पास कम धन है। और मैं जगह जब चयनित भी करता हूँ तो मैं ये पहले देखता हूँ कि जगह पहाड़ी तो नहीं है, ताकि 20 लाख रुपए में, अगर 20 लाख रुपया कटिंग में लग गया जगह के, तो ग्राउंड को तो बढ़ना। तो मैं पहले हमेशा देखता हूँ कि जगह कौन सी है, समतल है, कम पैसे से हम कितना काम कर सकते हैं, मेरी ये सोच रहती है, ताकि आने वाले 4 वर्षों के अंदर कुछ ना कुछ, मैं जब आपके बीच में वोट मांगने के लिए आऊं तो मैं ये बोल सकूं, नहीं मैंने ये 8 पंचायतें 100 की है, मैंने इनके सेंटर पॉइंट में एक ग्राउंड के लिए जगह चयनित की और मैंने ग्राउंड बनाया, मैं आपको बोलना चाहता हूं। ऐसे ही चंबा पुलिस लाइंस के अंदर एक इंडोर स्टेडियम 11 करोड़ रुपए की लागत से, भाजपा के टाइम में इसका नींव पत्थर रखा गया था। 3 साल हो गए भाजपा की सरकार में, कोई काम शुरू नहीं हुआ, नींव पत्थर ही बना रह गया। बाद में जब मैंने सारा पता किया तो मैंने उसको सारा चेंज करवाया, अब वो इंडोर स्टेडियम दोबारा से बनेगा, वेब कॉज कंपनी दिल्ली की उसको कंस्ट्रक्ट करेगी, प्री फैब्रिकेटेड ये स्टेडियम होगा। मैंने स्टेडियम की जगह भी बदल दी है, उन्होंने पुलिस ग्राउंड के सेंटर से थोड़ा सा आगे रखा हुआ था, मैंने उसको बिल्कुल साइड में कर दिया है। उसका नक्शा भी मैंने जो है खुद स्वयं जो है बदल दिया है, वो 2 मंजिल का था, मैंने 3 मंजिल का प्रावधान जो है उसके अंदर किया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर पुलिस लाइन में उस स्टेडियम का काम भी शुरू होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसी तर्ज पर एक माइनॉरिटीज के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई है और उसमें एक स्टेडियम बनना है 11-12 करोड़ रुपए से, इंडोर स्टेडियम। उसके लिए मैंने साउ में जगह ढूंढी, उसके लिए मैंने प्रोथा में जगह ढूंढी, उसके लिए मैंने पलियूर में जगह ढूंढी, उसके लिए मैंने ब्रौर में जगह ढूंढी, उसके लिए मैंने पलुई में जगह ढूंढी, उसके लिए मैंने कैले में जगह ढूंढी, मुझे जगह नहीं मिली।
अब फाइनली आज मैं भूलना नहीं चाहता, भगवान करे जहाँ मैंने ढूंढी है अगर वहाँ मेरा टांका लग गया। चंबा के अंदर अभी हाल ही में बच्चे सारे यहाँ हैं, 13 करोड़ रुपया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सुल्तानपुर हेलीपोर्ट के लिए दे दिया है। 13 करोड़ रुपया सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट के लिए दे दिया है और उसकी डीपीआर जो है अति शीघ्र बनने जा रही है और अगले वर्ष या इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के अंत तक जो हेली टैक्सी सर्विस है वो चंबा से शिमला चंडीगढ़ जो भी मुद्रा रूट बनेगा उसके अंदर जो है शुरू होगी और सब्सिडाइज टिकट्स 5,000 रुपया शायद शिमला के लिए, ये तो मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है मोडालिटीज़ जो है वो फिक्स आउट करेंगी, लेकिन सब्सिडाइज टिकट्स होंगी ताकि एक आम आदमी कोई बीमार है उसको शिमला जाना है, बस का वो कठिन रास्ता चंबा से शिमला का झेल नहीं सकता, तो उसको जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये ऐतिहासिक काम होंगे, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने सारे काम कर दिए लेकिन 8-10 काम मैं ऐसे कर जाऊँगा जो अपने आप में एक आयाम लिखेंगे कि नहीं एक फर्क है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी सरकार बने, हमारी सरकार बने तकरीबन 1.5 महीना हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है जब हम सरकार में आए तो हमको सरकार में बहुत हालत बड़ी खस्ता मिली, पैसा हमारे पास बिल्कुल था नहीं, तो हमने जो है अपने पैसा जो रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जो है हमने मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं और सबसे बड़ी आप टीचर्स यहाँ हैं बैठे हुए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात तो कांग्रेस सरकार ने दी है ओल्ड पेंशन स्कीम। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जितने भी टीचर्स आज यहाँ बैठे हैं आपने एक बात याद रखना कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हटी और वहाँ ओपीएस पहली कैबिनेट का पहला फैसला था कि ओपीएस जो है खत्म कर दिया गया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि स्कूल के टीचर्स हैं यहाँ और आप लोग इससे डायरेक्ट लिंक्ड हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कांग्रेस सरकार ने आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, एक बहुत बड़ी सौगात है और इस स्कीम देने की वजह से जो हमारी सेंट्रल लोन फैसिलिटी थी, जैसे हम 8,000 करोड़ रुपए का लोन ले सकते थे, ओपीएस देने की वजह से 1,700 करोड़ रुपए का हमारी सरकार के ऊपर कट लग गया है, यानी कि अगर हम 8,000 करोड़ ले सकते थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब हम ले सकेंगे 6,200 या 6,300, एग्जांपल है, वैसे 6,600 करोड़ है जो हम ले सकते हैं आप। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कई दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ रहा है, स्कूल का फंक्शन है, थोड़ा सा राजनीतिक बात बोल दी। आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ बच्चों, आजकल एक ड्रग है चिट्टा, इसका बहुत प्रचलन जो है हर जगह चल रहा है, मैं जितने भी यहाँ टीचर्स हैं हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं पंचायतों के, मैं हर स्कूल के अंदर जाके ये बोल रहा हूँ बच्चों इससे दूर रहना, चिट्टा जो है एक आग की तरह जो है हमारे प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से जो है फैल रहा है। जो शहर के साथ स्कूल है या कॉलेजेस हैं वहाँ तो ये फैल ही रहा है, लेकिन हैरानगी की बात है जहाँ हम जैसे लोग 5 साल में एक वर्ष जाएंगे कहीं ऊंची जगह पे स्कूल है जहाँ पैदल चलना पड़ता है, मिडिल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हम पहुँचे ना पहुँचे चिट्टा वहाँ पहुँच रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पुश्तों को जो है बर्बाद कर दे रही है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप ये मत सोचो कि पुलिस अकेले इसको जो है रोक सकती है, इसमें जो है हम स्वयं सब लोगों का योगदान जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने हर मंच से क्या, मैं हर जगह ये चीज़ बोलता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे कभी चिट्टा पकड़ा और बोला इस बंदे को छोड़ दो, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको उल्टा टांग दूंगा, चाहे वो मेरा अपना वर्कर क्यों ना हो। मैं आज इस मन से बोलता हूँ, मेरे को गलती से भी इसके लिए फोन मत कर देना, मैंने आपको बोल दिया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मेरे।
मेरी इसके ऊपर है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर बीजेपी कांग्रेस नहीं देखी जाती है, जो सबके लिए ठीक है वो सबके लिए ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। बाकी समय का अभाव तो है ही है, मैं ज़्यादा लंबा भाषण, मैं सोचता हूँ बच्चों को खाना खुना भी खाना होगा, 5 बज गए हैं वैसे तो, क्या पता ज़्यादा टाइम हो गया। चलो प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं खिला दिया, दिन बड़ा अच्छा है खिला दिया, मैंने बोला मेरे वजह से बेचारे ऐसे भूखे ना रहे। और बाकी अभी आपके एसएमसी के अध्यक्ष ने बोला कि स्टेज के लिए जो है इनको पैसा चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल साहब और आपको बोलता हूँ आप एस्टिमेट बनाए 1-1.5 लाख का जो भी है, और कल परसों तक मेरे पास ले आए और मैं धन का प्रावधान जो है इसका कर दूंगा स्टेज का। और आपके ऊपर है आप कितनी देरी लगाते हैं, मेरी तरफ से देरी नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी जो है मैं सैंक्शन जो है आपको दे दूंगा। और एक प्रिंसिपल साहब ने इन्होंने बताया मुझे एक कोई घंटी है जिसका मैं पिछली बार यहाँ आया था, मैंने बोला मैं तो भूल गया होऊंगा, पर मैं तो भूल गया कि मैंने बोला था, आपने मुझे याद दिलवाया है, तो 40,000 रुपये की कोई घंटी बता रहे हैं, ये बेल है कोई क्या बता, जो भी है तो आप उसके 3 टेंडर जो हैं आप ले आए और मैं जो है अपनी तरफ से उसको जो आपको दे दूंगा, ताकि बच्चों के लिए जो है कुछ उपयोगी जो अगर यहाँ मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँ। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों के माता पिता भी आज यहाँ आए होंगे, बहुत अच्छा लगा आज गोजरी डांस देख के, सबसे अच्छा तो इस बात का लगा, सबसे अच्छा इस बात का लगा कि हमारे गुज्जर समुदाय के बच्चे जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के लिए आ गए, ये सबसे बड़ी बात है और ये इनके लिए जो है गेम चेंजर होगा आने वाले वक्त के अंदर, ये समुदाय जो है ये पीछे रह गया। और शिक्षा जो है उससे बड़ा शास्त्र, मैंने स्टार्ट में बोला है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, गुज्जर समुदाय से लोग मेरे पास आते हैं, एप्लीकेशन किसी और से लिखवाते हैं, अंदर लिखा क्या है उनको पता नहीं होता, जब ये बच्चे सामने मैं देख रहा हूँ जब ये पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो कोई भी इनको ठग नहीं सकता, इनको पूरा पता होगा कि क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं, कोई मुझे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिखवा रहा, तो शिक्षा से ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत अच्छा लगा और मैं गुज्जर समुदाय के जितने भी हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे विनती करूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के अंदर आगे लेके आए। मैं बता रहा हूँ बच्चे सारे एक समान ही होते हैं, मौका उनको देना जो है बच्चों के माता पिता का काम है। और आज बड़ा अच्छा लगा अपने भाई साहब का नाम पवन जी बोल रहे थे कि गुर्जर समुदाय से यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, और एक लड़की जो है वो साइंस के अंदर जो है अब प्लस वन में जो है मेडिकल के अंदर अपने एक्सेल कर रही है, कितनी बड़ी बात है, कल को डॉक्टर बन जाएगी, कितनी बड़ी बात है, एक लड़की पढ़ के डॉक्टर बन गई तो वो पूरा परिवार जो है, पूरा परिवार जो है उसका रहन सहन, उसका रुतबा जो है वो बदल जाए, ये चीजें बहुत जरूरी है। और जितने भी माता पिता मुझे लगता नहीं है यहाँ ज्यादा होंगे, लेकिन टीचर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माता पिता का रोल है बच्चों के अंदर। बच्चे स्कूल में मात्र 4-5 घंटों के लिए आते हैं, लेकिन माता पिता के साथ मैक्सिमम टाइम रहते हैं। जिन घरों के अंदर माता पिता की शैली अच्छी होती है, माता पिता आपस में अच्छे ढंग से बात करते हैं, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वही शैली जो बच्चों की है वो स्कूल में दिखती है। अगर माता पिता, अगर पिता शराब पी के रात को घर में आएगा और माता के साथ गालियां निकालेगा तो वही शैली जो है बच्चों में नजर आएगी। जो बच्चा घर में देखता है वही आगे जो है उसको चाल चलन में रहता है, ये हमने भी अपने माता पिता से सीखा है। छोटी छोटी चीज़ें वो हमें बचपन में बता के गए तो शायद हम इस लायक बने कि आपके यहाँ जो है भाषण दे सके, उन्हीं की देन है, उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी तो आपके यहाँ आज बोलने के लायक यहाँ बने। जो थोड़ा बहुत मुझे कुछ आता है मैं कोशिश करता हूँ कि स्कूलों के अंदर जो है मैं ज़रूर बोलूँ, ताकि बच्चों के जो माता पिता हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, ये जो चिट्ठा भी जो फैल रहा है
जिन माता पिता जब बच्चा स्कूल से जाता है वापस और रात को 8 बजे तक घर नहीं आता, माता पिता पूछते नहीं है, ये बहुत गलत है। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल की छुट्टी होती है कहाँ जा रहा है, कहीं गलत संगत में तो नहीं पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें माता पिता का काम है। तो मैं हर स्कूल के अंदर ये चीज़ें बोलता हूँ। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, ऐसे तो देर इज़ नो एंड, पूरी रात तक मैं भाषण देता रहूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूँगा और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साओ को जो है अपनी तरफ से 11,000 रुपया जो है मैं अनाउंस करता हूँ। और SMC के प्रधान पंडित जी हमारे मिंदर जी यहाँ हैं, प्रोथे में मैं 11,000 रुपये बोलना भूल गया, तो मैंने आपको यहाँ बोल दिया कि 11,000 रुपये जो है मैं प्रोथा में भी जो है अपनी तरफ से अनुदान देता हूँ। भाषण देते देते मेरे को पता ही नहीं लगा, गाड़ी में बैठा तो याद आया कि वहाँ तो बोलना ही भूल गया। तो 11,000 रुपये प्रोथा और 11,000 रुपये सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहु को मैं अपनी तरफ से देता हूँ। और बाकी वर्षों के अंदर जो भी मेरे से आपके स्कूल के लिए, आपके साओ के क्षेत्र के लिए हो सकेगा, मैं पूरे तरीके से जो है मैं करने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, जय साहो, चंद्रशेखर महाराज की जय। मैं उसे मान कहती थी महोदय से। नेक्स्ट मैं अंकुश, +1 क्लास सेंस किया है, इस बच्चे को बेस्ट वो एक अवार्ड दिया जा रहा है, उसे सम्मानित किया जा रहा है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां कि वो मंच पर आए और मंच का संचालन करें। I'm gonna make you mine।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल
मेरा पवन सर जी से निवेदन।